नमस्कार साथियों। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। नीति बने बुजुर्गों की सेवा संभाल के लिए। इसके संपादक हैं जय श्री सेन गुप्ता, जो लेखिका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की वरिष्ठ शोधकर्ता है। भारत की पारंपरिक रिवायतों में एक यह भी रीत थी कि बड़े बुजुर्ग अपने जिन बच्चों के साथ रहते थे, पुत्रों की ऊपर नीचे होती आमदनी के बावजूद संयुक्त परिवार प्रणाली के चलते उनकी आर्थिक जरूरतें किसी तरह पूरी हो जाया करती थी। घर समाज में बुजुर्गों का सम्मान भी किया जाता था और उन्हें परिवार के फैसलों में आदर वाला महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। तेजी से बढ़ती शहरीकरण की वजह से संयुक्त परिवार की जगह एकल सूक्ष्म परिवार ने ले लिए और बुजुर्ग अपनी इस जरूरत के लिए किसी एक बेटे या बेटी पर निर्भर होकर रह गए। अब लगातार बढ़ती महंगाई, दिगर ऊपर खर्चों के चलते बच्चों के लिए भी अपने माता पिता को मदद देने में मुश्किल होती जा रही है। इस पर अगर आमदनी गिर जाए तो नौकरी चली जाए या फिर आर्थिक मंदी पड़ जाए तो मुश्किलें गहरा जाती हैं। फिलहाल भारत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से अगले कुछ महीने में और अधिक नौकरियों में छंटनी और उद्योग धंधे बंद होने की संभावना है। हालांकि सरकार ने मंदी से उबरने हेतु अनेक कदम उठाए, लेकिन हाल फिलहाल नतीजे उत्साहवर्धक नहीं है। अब अगर कोई त्वरित और प्रभावशाली उपाय कारगर नहीं हो पाया तो समाज पर इसके गंभीर नतीजे होंगे। ऐसी खबर है कि अक्सर देखने को मिल रही है कि जिनमें बच्चे अपनी आमदनी कम होने पर खुद पर आश्रित बुजुर्गों ने सिर्फ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वे आगे अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च की एवज में वृद्ध माता पिता की देखभाल को गौण करते हैं। दूसरी ओर ऐसे मामले भी हैं जब गंभीर बीमारी से जूझ रहे माता पिता की देखभाल के लिए बच्चों ने नौकरी तक छोड़ दी और सीमित संसाधनों में ही उनकी सेवा कर रहे हैं। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भारत में विकसित देशों के मुकाबले हालात बहुत खराब है, क्योंकि कोई निजी आमदनी न होने पर वे अपनी संभाल के लिए पूरी रूप तरह से परिवार के युवा सदस्यों पर आश्रित होते हैं। अपनी बचत को उन्हें घर बनाने में लगा दिया होता है और उसे स्वेच्छा से पुत्र पुत्रियों को सौंप चुके होते हैं। बच्चों में कुछ ऐसे हैं भी हैं जो इन घरों को बेच देते हैं और सारा पैसा हड़प लेते हैं, अपने पोते पोतियों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग देने की खातिर उन्हें छोटी जगहों में सिकुड़ कर रहना पड़ता है, जिस पर कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। इस तरह ज़िंदगी के आखिरी साल बहुत दयनीय हालात में गुजरते हैं। पश्चिमी देशों के खुद मुख्तार बुजुर्गों के बरक्स भारत में आज भी अधिकांश वृद्ध अपने परिवार के साथ रहते हैं। केवल 2.2% अकेले बुजुर्ग अपने बूते पर जीने की समर्था रखते हैं। 2.2% ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपने दम पर जीने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। और 10% वृद्ध दंपत्ति ही अपने भरण पोषण जीवन शैली हेतु आत्मनिर्भर हैं। लगभग 87.8% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। इसकी तुलना में पश्चिमी देशों में लगभग सभी उम्रदराज लोग अलग रहते हैं, जहां वे अपनी अधिकांश ज़रूरतें बिना किसी खास मदद या बाहरी सहायता की पूरी कर लेते हैं। शारीरिक तौर पर वे भी हमारे वृद्धों की अपेक्षा ज़्यादा चुस्त और सक्रिय हैं। उनके मुल्कों के स्वास्थ्य तंज में बुजुर्गों की माकूल स्वास्थ्य देखभाल, प्रतिरोधात्मक शारीरिक जांच और अन्य
किस्म की स्वास्थ्य सेवाएं जैसी कि फिजियोथेरेपी बिना शुल्क प्राप्त है। इधर भारत में चूंकि परिवार की बुजुर्गों के भरण पोषण स्वास्थ्य का मुख्य जरिया है, जैसे जैसे वृद्ध और कमजोर होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी आश्रयता बढ़ती जाती है। दुर्भाग्य से भारत में बुजुर्गों की देखभाल का तंत्र लगभग नगण्य है और हमारी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विश्व भर में सबसे कमजोर व्यवस्थाओं में से एक है। वृद्धों का आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना उनकी अच्छी लागत का एक मुख्य पैमाना होता है, परंतु वृद्धों में केवल 26.3% ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और 20.3% आंशिक रूप से, लेकिन बहुत बड़ी तादाद यानी 53.4% बुजुर्ग आर्थिक सामाजिक सुरक्षा मामलों में पूरी तरह अपने बच्चों पर निर्भर हैं। कम खर्च मिलने के वाले वृद्ध आश्रमों की बहुत कमी है। जो बढ़िया है वे बहुत महंगे हैं, जो अच्छे हैं वो ज़्यादा ही कुछ महंगे हैं। ठीक, तेजी से बदलते उम्र वर्गीकरण के अंतर्गत आज के युवाओं की औसत आयु 27.1 वर्ष आंकी गई। इसका मतलब है औसत भारतीय युवा आर्थिक रूप से सक्षम होने से पहले ही फुरौड़ों की श्रेणी में आ जाता है। बच्चा पैदा करने की समर्थता में लगातार होते ह्रास ने भारतीयों में पहले वक्त की अपेक्षा समय से पहले बूढ़े होने की गति बढ़ा दी है। श्री निवासन गोली, भीमेश्वर रेड्डी, KS जेम्स और वेंकटेश श्रीनिवासन के संयुक्त अध्ययन आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा के मुताबिक भारतीय बुजुर्ग वर्ग के अनेक पहलू हैं जिन्हें सावधानी पूर्वक समझने के बाद इस वर्ग पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने इंगित किया कि बच्चे पैदा करने की गिरती समर्थता के चलते भारत की आबादी में उम्र आधारित वर्ग की संरचना करने के प्रमाणों में तेजी से बदलाव आ रहा है और इससे बूढ़ों में शामिल होने वाली बालों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 में देश की कुल 10.3 करोड़ नागरिक बुजुर्ग वर्ग में थे, लेकिन आज इसकी संख्या निसंदेह कहीं अधिक है। जब आज के युवा उस समय कामकाजी वर्ग से बाहर हो जाएंगे तो इस श्रेणी यानी कि बड़े बुजुर्गों में आने वालों की संख्या में खासा इजाफा हो जाएगा। बुजुर्गों की देखभाल का स्तर अलग अलग राज्यों में एक दूसरे से भिन्न है। ज़्यादातर मामलों में बुजुर्गों को मिलने वाली सरकारी पेंशन के अंतर्गत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि बहुत कम है। 17 राज्य बुजुर्ग पेंशन के रूप में ₹1,000 से कम देते हैं। इस समय राज्य सरकार के बजट में रखी मद नगण्य है। निम्न आय वर्ग के लगभग सभी उम्रदराज लोग बिना इज्जत जी रहे हैं। इस पर कुपोषण एवं कमजोर स्वास्थ्य तंत्र के चलते अनेक बीमारियों से ग्रस्त होकर लाचार हो जाते हैं। राज्यों की ओर से बुजुर्गों की सहायता के लिए ज्यादा सहजता दिखाने की जरूरत है। उनके लिए वहन करने योग्य और ज्यादा घर बनाने की जरूरत है जहाँ के स्वतंत्र रूप से जी रह सकें। ऐसा स्वास्थ्य तंत्र बनाया जाए जहाँ उम्रदराज लोगों के इलाज के विशेषज्ञ नियुक्त हों। कई बुजुर्ग जो आज भी काम करने में सक्षम हैं उन्हें रोजगार के वैकल्पिक अवसर मुहैया कराया जाए। बुजुर्ग मर्दों की अपेक्षा वृद्ध घरेलू औरतें को तो और भी ज़्यादा उपेक्षित किया जाता है। अधिक आर्थिक पेंशन देकर इनकी सहायता की जानी चाहिए। कर में विशेष छूट और बचत खातों पर अतिरिक्त ब्याज दर बुजुर्गों को आर्थिक सामाजिक संबल देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। अन्य उपायों में बुजुर्गों को रेल हवाई यात्रा किराए में छूट देकर उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा खुशनुमा और विविधतापूर्ण बनाया जा सकता है। जो वृद्ध बहुत गरीब वर्ग में है उनके लिए बेहद स्वास्थ्य बीमा प्रणाली बनाने की ज़रूरत है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत हाशिए पर
आने वाले लगभग 50 करोड़ लोग आते हैं, इनमें कई बुजुर्ग भी होंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं को एकाकीपन या अवसाद से जूझ रहे वृद्ध लोगों तक पहुंच करनी चाहिए, ताकि उनके नित्य कर्म जैसे कि नहाना, वर्जिश और खाना पकाने जैसी सामान्य दिनचर्या में मदद मिल सके। जो बुजुर्ग गरीब और केवल बच्चों पर निर्भर हैं, उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें जल्द सहायता देने की दरकार है।